नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर गौरव चौरे मधुदीप आईवीएफ की ओर के आपका स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक है वो भाग दो है। हमने पहले भाग एक में देखा था कि क्या खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, तो इसके भाग में हमने शाम की चाय तक का आपको समझाया था। आज हम रात का खाना क्या खाएंगे और मिड नाइट में क्या ले सकते हैं और जनरली कौन से फ्रूट, कौन से कठोर, कौन से सलाद, सूप, दूध और क्या चीजें ले सकते हैं और क्या सामान्य रोग में कौन कौन सी घरेलू जो सारे वाले वो ले सकते हैं, उसके लिए हम लोग माहिती देना चाहते हैं। शाम को जिसको डिनर बोलते हैं, उस टाइम पे आपको दो नंग रोटी साथ में एक बाउल सब्जी खाना चाहिए, साथ में दूध गाय का हो वो ले सकते हो, या फिर अगर पॉसिबल नहीं है तो आप छाछ या फिर जो दही होता है वो ले सकते हैं। इसके सिवाय दूसरा बिग डाइट प्लान है जिसमें हम लोग दो परोठा देने की पेशेंट को सलाह देते हैं, सब्जी एक बॉयल करके लेना बोलते हैं, एक कप दही के लिए या आधा कप सलाद के लिए हम लोग पेशेंट को बोलते हैं। पेशेंट शाम के टाइम पे रोटी, भाखरी, पराठा, दूध, छाछ, दही, ब्रेड, पोहा, खिचड़ी, पुलाव, ये सभी जो हल्की फुल्की चीजें वो ले सकते हैं। अगर आपको शाम को फ्रूट लेना है तो फ्रूट हमेशा खाना खाने से पहले आप लीजिए। आपको अगर सलाद लेना है रात को भी तो भी आप ले सकते हैं, आपको पेट में गड़बड़ नहीं होती है तो आप खाना के साथ सलाद पहले ले सकते हैं। अब जो बात है वो है रात को सोते समय करीबन 10 से 11 या 12 बजे तक, तब हर रोज रात को एक गिलास गाय का दूध आपको लेना चाहिए अगर आपको पसीने में कोई तकलीफ नहीं है तो। साथ में अगर आपको लगे तो फ्रूट भी ले सकते हैं, बिस्कुट भी ले सकते हैं और ड्राई फ्रूट भी आप ले सकते हैं। कई बार ऑब्वियस है प्रेगनेंसी में रात को भूख लगती है तो बाजू में डब्बे में आप बिस्किट, चॉकलेट, पिपरमेंट, खारी, टोस्ट या कोई फ्रूट तो करीबन केला भी आप बाजू में रख सकते हैं। तो मिड नाइट में कभी भी आपको ऐसा लगे तो आप उठ के वो चीज खा के फिर आपके जो ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन कर सकते हैं। कई केस में प्रेगनेंसी के दरमियान बहुत सारी उल्टियां होती है जिसको वॉमिटिंग इंग्लिश में बोलते हैं या फिर नोजिया उबंसी होती है, तो उस टाइम पे आपको सुबह उठने के टाइम पे बाजू में दो बिस्किट, खारी या टोस्ट रखना चाहिए। सबसे पहले उठना नहीं चाहिए, सबसे पहले उसको आंख खोलने के बाद उसको हाथ में लेके चबा जाना चाहिए, जब मुंह में डकार आ जाए तो उसके बाद खड़ा होना चाहिए और उसी के बाद एक या दो घंटे बाद ब्रश करना चाहिए। जर्नी के दरमियान भी ऐसे आप कर सकते हैं। जब आपको टंग क्लीन करनी हो, जीभ का भाग साफ करना हो, तो उसके लिए करीबन एक या दो घंटे के बाद उल्टी के टाइम पे ये जिसको पेशेंट को तकलीफ है उसमें करना चाहिए। बहुत ज्यादा उल्टी हो तो दोपहर को भी आप टंग क्लीन कर सकते हैं। ये जो हाइपरमेसिस ग्रेविडम या नोजिया या वॉमिटिंग वाले पेशेंट होते हैं जिसको उल्टी बहुत हो रही है, इसको हर घंटे पे थोड़ा थोड़ा खाना लेना चाहिए, भरपेट नहीं खाना चाहिए। और ये सब जो आइटम है हमने बोली जिसमें कार्बोहाइड्रेट वो चीजें आपको लेनी चाहिए। कॉन्स्टिपेशन कब्जियत के पेशेंट को हम लोग इसबगोल की सलाह देते हैं रात के समय, इसको दवाई के तौर पर आप ले सकते हैं। कई बार थोड़ा सा जो नरम गरम दूध हो उसमें भी आप डाल के पी सकते हैं। बुखार आने पे आप पैरासिटामोल का उपयोग कर सकते हैं। आपको जब जुकाम हुआ हो तो आप डीकंजेस्टिव और ये जो एंटीपायरेटिक है वो ड्रग का आप जनरली घर में यूज टू उपयोग कर सकते हैं। कई बार अगर ऐसा लगे कि आपको ये जो तकलीफ है वो ज्यादा बढ़ रही है, जैसे उसको बोलते हैं कि उल्टी होना, उक्का होना, मूड अच्छा नहीं होना, तो आप मुंह में चॉकलेट या फिर आप टॉफी या फिर दूसरी कोई आइटम ले सकते हैं। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा, कौन से फ्रूट लेने हैं, कौन से कठोर लेने हैं, कौन से ग्रीन सलाद लेने हैं, कौन से सूप लेना है और दूध कैसे लेना है। बाहर का खा सकते नहीं है या नहीं खा सकते हो मित्रों, ये भी हमारे यहाँ पर टाइम 5 मिनट का खत्म हो गया, लेकिन हमारे जो वीडियो एडिटिंग करते हैं वो हमारी टीम ने हमने बोला है, लेकिन तो भी थोड़ा बताना है तो मैं बता दूं। 9 महीने में आप फ्रूट में केला,
ऑरेंज, चीकू, जमरूद, तरबूज, कीवी, पेरू, सफरजन, दाड़म और कोई भी सीजनल फ्रूट ले सकते हैं। कठोल में मग, मठ, चना, राजमा, अड़द, बटाना, सोयाबीन, चोली या ले सकते हैं। लेकिन इसमें अगर कोई भारी चीज जैसे अड़द और जैसे कई बार राजमा का तकलीफ होती है तो वो आप एवॉइड कर सकते हैं। ग्रीन सलाद में ककड़ी, टमाटर, कॉबीज और ये जो हल्दर होती है वो बीट या नींबू का सेवन ग्रीन सलाद में कर सकते हैं। सूप में आप टमाटर का, मेथी का, पालक का, तांदूजा का, बीट का भी सूप ले सकते हैं। दूध आप जनरली गाय का हो तो अच्छा रहेगा, उसमें से बनाया हुआ दही, छाछ या फिर इसके सिवाय आप बटर भी, पनीर भी ले सकते हो। आपको शीरा अच्छा लगे, राब अच्छा लगे तो वो भी आप पी सकते हो, खा सकते हो। जनरली हम इसे सलाह देते हैं कि बाहर खुली रहती चीजें और ठंडी चीजों का सेवन मत कीजिए, घर पर बनाइए, ताजा चीजें खाइए। होटल से लाके खाना यानी हम आप पेशेंट पे छोड़ते हैं कि उसको अच्छा लगे तो वो उसके हिसाब से वो जोखिम लेके वो खाना खा सकते हैं। मित्रों, ये जो सब कुछ माहिती दी हुई है वो एवरेज माहिती दी गई है, दर्दी की जो तासीर होती है उसके हिसाब से इसमें फर्क करना पड़ता है। तो ये खाली माहिती का वीडियो है, आप अपने डॉक्टर से जाके, न्यूट्रिशनिस्ट जाके के पास और डायटिशियन के जाके पास ये चीज आप बता सकते हैं। किसी भी तकलीफ हो, प्रेगनेंसी के रिलेटेड आपको बच्चा नहीं रुकता हो तो आप आज ही संपर्क कीजिए मधुदीप आई टेस्ट टू बेबी हॉस्पिटल। हमारा मोबाइल नंबर है 9714864644। हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो है मधुदीप IVF मधुदीप IVF टेस्ट टू बेबी सेंटर। हमारा जो वेबसाइट है वो है www.मधुदीपiv.com। मित्रों, हम लोग आने वाले त्योहार खुशी हो गए, दीपावली, न्यू ईयर और भाई दूज की आपको बहुत शुभेच्छा देते हैं। और जैसे भगवान श्री राम ने अंधकार से उजाले की तरफ ले गए, ऐसे ही आपके जो ये प्रेगनेंसी निर्णय का अंधकार है उसमें से मधुदीप हॉस्पिटल और हम सबको उजाले की ओर, बच्चे देने की ओर तरफ ले जाएंगे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्ते।